ऑल राइट यू, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ कहानी सुनो। कहानी सुनो के खास स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत और खुश आमदीद। बॉलीवुड में सैकड़ों काबिले जिक्र अदाकार गुजरे हैं, मगर ऐसे अदाकार बहुत कम गुजरे जिनके मुतालिक ये कहा जा सके कि उनका निभाया हुआ किरदार कोई और अदाकार उतने शानदार अंदाज में निभा सकता है। आज की वीडियो में 10 स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ। और कहानी सुनो में एक ट्विस्ट जो कि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल लिंक दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करें। वहां पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे देखें, एंजॉय कीजिए। अब आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पे डायरेक्टली वीडियो व्हाट्सएप से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। नसीरुद्दीन शाह साहब आज का पहला करेक्टर, आज की खास शख्सियत। दिलीप कुमार के बाद नसीरुद्दीन शाह को बॉलीवुड का सबसे बड़ा अदाकार कहना बेजा नहीं होगा। 1950 में बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले नसीरुद्दीन शाह ने अदाकारी की तालीम दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हासिल की थी। नसीरुद्दीन शाह को बॉलीवुड में मुतारिफ कराने का सेहरा श्याम बेंगल के सर है, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह को 1975 में निशांत फिल्म में विश्वाम का किरदार दिया। श्याम बेंगल ने मैंथन 1976, भूमिका 1977 में भी नसीरुद्दीन शाह को कास्ट किया था। तीनों फिल्में खूब कामयाब रही, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को शोहरत 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म सिप्रिश से मिली, जिसके मरकजी किरदार में नसीरुद्दीन शाह के हमरा शबाना आजमी और ओम पुरी थे। नसीरुद्दीन शाह को हकीकी अदाकारी के सबब नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, करीब करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नसीरुद्दीन शाह ने हर तरह के किरदार अदा किए, जुनून, मोहन जोशी हाजिर हो, रद, सत्या, कथा, जाने भी दो यारो, मासूम, हम पांच, इजाजत, आक्रोश, कर्मा, त्रिदेव, गुलामी, विश्वात्मा, चाहत, नाजायज, मोहरा, इन समेत कई बेहतरीन फिल्में नसीरुद्दीन शाह के सबब जिंदा है। नसीरुद्दीन शाह को बड़ा अदाकार साबित करने के लिए गुलजार की डायरेक्शन में बना सीरियल मिर्जा गालिब ही काफी है। आज की खास शख्सियत नाना पाटेकर, जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं, बच्चा हो या बूढ़ा, उनकी कोई भी फिल्म आज भी बड़े स्क्रीन पर लगा दी जाए तो लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं। राज कपूर, देवानंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भले ही अपने अपने वक्त के अच्छे अदाकार रहे हों, लेकिन मानना पड़ेगा नाना पाटेकर के साथ ही एक नया एक्टिंग का दौर शुरू होता है। नाना पाटेकर को फिल्मी दुनिया में स्मिता पाटे ले आई। 1978 की फिल्म गमन से अपने कैरियर का आगाज किया। गमन के बाद 8 साल तक गुमनाम रहे। नाना पाटेकर जैसे हीरे को एन चंद्र जैसे जौहरी ने पहचाना और 1986 की फिल्म अंकश में किरदार दिया। यही फिल्म नाना पाटेकर की पहली कामयाबी थी। अंकश के बाद माफीचा साक्षीदार, सूत्राधर, मोहरे, अंधा यूथ, प्रीति गेती, त्रिशग्नि और सलाम बॉम्बे अहम फिल्में हैं, लेकिन नाना पाटेकर को शोहरत की बुलंदियों पर 1990 की परिंदा ने पहुंचाया और पहला नेशनल अवार्ड मिला। नाना पाटेकर ने अपने 40 साल कैरियर में बहुत कम फिल्में की, करीबन 70 के करीब फिल्मों में मरकजी किरदार निभाया। नाना की अदाकारी हर फिल्म में लाजवाब रही और उनका फिल्मी इंतखाब भी काबिले सताइश है। नाना पाटेकर वर्सटाइल अदाकार हैं। नाना पाटेकर का निभाया हुआ किरदार मुनफरिद है। यकीनन नाना पाटेकर का मुतबादिल नामुमकिन हद तक मुश्किल है। पढ़ार, तिरंगा, क्रांति वीर, अभय, यशवंत, वजूद, अग्नि साक्षी, यज्ञ पुरुष, हम दोनों, गुलाम मुस्तफा, खामोशी, अपहरण वगैरह नाना पाटेकर की लासानी अदाकारी की अहम मिसाल हैं। नाना पाटेकर की अहम खूबी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस है। इससे कबल राजकुमार भी मुनफरिद अंदाज से मुकालमे बोलते थे, लेकिन उनका अंदाज बनावटी लगता था। आज की तीसरी अहम शख्सियत मनोज बाजपेयी, जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं। मनोज बाजपेयी अपने अंदाज में ये गाना है। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज मशहूर मतनाजा फिल्म पंडित कोइन 1994 से की, जिनमें उनको बहुत मुख्तसर सा किरदार मिला। चंद और फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन नाजरीन ने ध्यान नहीं दिया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या जो की 1998 में रिलीज हुई, उनसे उनको शोहरत मिली। मनोज को न सिर्फ कई अवार्ड मिले बल्कि नाकदीन ने बेहद सराहा। इनकी फिल्मों में कौन, शूल, जुबैदा, अक्स, रोड, एसिड फैक्ट्री, कारगल, जागो, फरेब, 1971, राजनीति, किंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह शामिल हैं। आज की मशहूर चौथी शख्सियत इरफान खान, जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन इरफान खान हिंदी सिनेमा के अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें तवील अरसे तक नजरअंदाज किया जाता रहा। 2002 से इरफान खान फिल्म बिनों की नजर में आए। कसूर, काली शलवार, गुना और हासी से उन्हें कुछ कुछ पजीराई मिली। उनका पहला मुनफरिद किरदार मकबूल है। इरफान खान की चंद फिल्में बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जा सकती हैं, जैसे पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, तलवार, किस्सा, हिंदी मीडियम, करीब करीब सिंगल, ब्लैकमेल और इनके अलावा भी काफी उम्दा फिल्में हैं। के मेनन आज की पांचवी शख्सियत
के मैनन सूरत, अंदाज और आवाज़ यानी हर लिहाज से जुदा गाना हैसियत रखते हैं। उनकी पहली फिल्म नसीम 1995 में रिलीज हुई, फिर भोपाल एक्सप्रेस, पांच, हजारा ख्वाहिशें ऐसी, ब्लैक फ्राइडे, सरकार जैसी अहम फिल्मों में भी नजर आए। केके ने ज्यादा मनफी किरदार ही अदा किए। लाइफ इन मेट्रो, हैदर, गुलाल और शूरिया समेत चंद और फिल्मों में केके मैनन की अदाकारी देखी जा सकती है। केके को वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक थे। आज की हमारी अगली शख्सियत रणदीप हुडा है। रणदीप हुडा के बारे में कुछ बताने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि रणदीप हुडा की एक फिल्म सुल्तान सलमान खान के साथ रिलीज हुई थी, जिसको आज व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में अपलोड कर दिया गया है। ब्राय मेहरबानी आप वहाँ जाके उनकी वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाल दी गई है। असर हाजिर के बेहतरीन अदाकारों में से रणदीप हुडा भी शामिल हैं। उन्होंने 2002 में रिलीज होने वाली मेरा नायर की फिल्म मून सून वेडिंग से डेब्यू किया। रणदीप हुडा ने शुरू से ही गैर रिवायती फिल्मों में काम किया। उनकी यादगारी फिल्मों में रिस्क, रूबरू, साहब बीवी और गैंगस्टर, जिस्म 2, मर्डर 3, हाईवे, जूंडे, रंग रसिया, लाल रंग, मैं और चार्लेस, दो लफ्जों की कहानी और सुल्तान जैसी बहुत मकबूल और मारूफ फिल्में शामिल हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात हो रही है अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आजकल किसे नहीं मालूम, कौन नहीं जानता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी तवील अरसे की स्ट्रगल के बाद अब बॉलीवुड सिनेमा पर छा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हकीकी अदाकारी का नायाब नमूना है। नवाजुद्दीन को हिंदी सिनेमा में नुमाया मकाम दिलाने में अनुराग कश्यप का काफी कंट्रीब्यूशन है। देख इंडियन सर्कस, किंग्स ऑफ वसेपुर, तलाश, मूनसून, शूटआउट, बदलापुर, मांझी, रमन रघु 3, बाबू मशाए, बंदूकबाज और मंटू जैसी फिल्मों में निभाए गए किरदार काबिले फरामोश है। आज की हमारी अगली पर्सनालिटी आयुष्मान खुराना। सुंदरता और बेमिसाल अदाकारी का नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने 2002 में विकी डोनर से फिल्मी कैरियर की इब्तदा की। 2018 तक 10 फिल्में दी हैं। आयुष्मान खुराना वाहिद अदाकार हैं जिसकी हर फिल्म ही बेहतरीन है। आज से 50 साल बाद अगर किसी अदाकार को याद रखा जाएगा तो उनमें आयुष्मान सरे फहरिस्त होगा। आयुष्मान की 10 फिल्में जो आपको लाजमी देखनी चाहिए, उनमें विकी डोनर, नौटंकी साला, बेवकूफियां, हवाई ज्यादा, दम लगा के हैशा, मेरी प्यारी बिंदु, शुभ मंगल सुधन, बरेली की बर्फी, अंधाधुन, बधाई हो शामिल हैं। ये 10 फिल्में 10 मुख्तलिफ टॉपिक्स का अहाता किए हुए हैं। मेरा ख्याल है अगर आयुष्मान आज एक्टिंग तरक कर दे फिर भी ये 10 फिल्में उसे जिंदा रखने के लिए बहुत है। आज की अगली पर्सनालिटी राजकुमार राव। असर रवा के हिंदी सिनेमा के नए अदाकारों में आयुष्मान खुराना के बाद राजकुमार राव दूसरा अहम और बड़ा किरदार है। अगरचे राजकुमार राव मामूली शक्लो सूरत का लड़का है लेकिन गैर मामूली एक्टिंग करना जानता है। रागनी MMS, शैतान, शाहिद, काई पूछे, अलीगढ़, क्वीन, बहन होगी तेरी, बरेली की बर्फी, न्यूटन, शादी में जरूर आना और स्त्री वगैरह काबिले जिक्र फिल्में हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विकी कौशल। विकी कौशल नए अदाकारों में काफी मुनफरिद हैं। विकी कौशल को भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह अनुराग कश्यप का साथ मिला है। बॉम्बे वेलवेट, मसान, जबान, रमन रघु, राजी, लस्ट स्टोरीज, संजू और मन मर्जिया में विकी कौशल ने उम्दा ढंग से रोल प्ले किए हैं। विकी कौशल का मुस्तकबिल ताबनाक नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि केक कम्युनिटी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे सुल्तान मूवी जो है वो अपलोड कर दी गई है, जाके वीडियो देखें और इंजॉय कीजिए। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को भी जरूर क्लिक कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।